है और आखिर क्या कारण है कि अब बार बार महाराष्ट्र जाने की जरूरत पड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हालांकि कल से वो अमेरिका में रहेंगे और राहुल गांधी की राजनीति आप देख रहे हैं और इससे कितने परेशान नजर आते हैं प्रधानमंत्री। धनंजय जी, मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो ये है कि आपने जो कहा कि अजीत पवार जी ने क्यों ऐसा कहा, देखिए अजीत पवार जी के वोटर वही हैं जो कांग्रेस के वोटर हैं या जो एनसीपी शरद पवार के वोटर हैं। कांग्रेस और शरद पवार जी दोनों एक ही हैं, एक तरह से समझ लीजिए, अलग हो फिर भी दोनों धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले हैं, दोनों एक चीज पर। शिवसेना में जो टूट हुई और एक नाथ शिंदे जो उस तरफ गए तो शिवसेना में ढेर सारे लोग जो थे जो हिंदूवादी थे वो साथ चले गए, तो वो कंफर्टेबल हैं। राहुल गांधी पे हमला कीजिए, कंफर्टेबल है वो, लेकिन अजीत पवार कंफर्टेबल इसलिए नहीं कि उसके वोटर को सुनना पड़ रहा है या बोलना पड़ रहा है बार बार, इसके पहले भी बोल चुके हैं वो। जाति गणना को लेकर के वो बात कर चुके हैं बहुत पहले, आपको याद होगा हमने आपके चैनल पर भी कहा था कि जाति गणना को लेकर के भी अजीत पवार बोल चुके हैं कि बिहार का फार्मूला यहाँ लागू किया जाना चाहिए। अब जो नरेंद्र मोदी जी आए, इनके पहले गृह मंत्री जी आए थे, वो तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ बदल नहीं रहा, इसलिए कि बीजेपी के पास बदलने के लिए कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ आकर के वो क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत को हटाएंगे मोहब्बत की दुकान से, वो कह रहे हैं नफरत का भूत घुस गया है। फिर वो कह रहे हैं कि आज कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा ने अंतिम सांस ली है। तो जिस गीता को पढ़ के आए उसमें आत्मा कभी नहीं मरती लिखा हुआ, अंतिम सांस कैसे देशभक्ति की आत्मा ले रही है वो मोदी जी बताएंगे। फिर वो बोलते हैं सबसे भ्रष्ट पार्टी है, तो 10 साल क्या कर रहे थे आप, 10 साल में भ्रष्ट में से कितने लोगों को पकड़ा आपने, कुछ लोगों पे आरोप भी लगाया तो महाराष्ट्र के लोगों ने देखा कि आरोप लगा करके उसको अपने साथ ले आए, मतलब डराने के लिए आपने आरोप लगाया, सचमुच कुछ नहीं था आपके पास। जैसे हेमंत सोरेन के पास कुछ नहीं निकला उनके लिए, जैसे केजरीवाल के लिए कुछ नहीं निकला आपके पास। फिर ये कह रहे टुकड़े टुकड़े गैंग, भाई देश में टुकड़े कौन कर रहा, मणिपुर में किसने टुकड़े किए, मैतेई समाज और जो कुकी समाज नगा कुकी समाज है उसके बीच कौन खाई खोदा है, यादव और मुस्लिम को लेकर के या यादव और राजपूत के बीच खाई किसने खोदी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जम्मू कश्मीर हो या देश का बाकी हिस्सा हो, हिंदू मुसलमान किसने किया है, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है। फिर वो कह रहे हैं शहरी नक्सलियों द्वारा चलाई जा रही है। शहरी नक्सली मतलब क्या होता है, 10 साल में आप नक्सली ढूंढ नहीं पाए। तो ये जो सारा बात सारी बात कर रहे हैं, जो जो कह रहे हैं वो ये आरक्षण को लेकर के जो बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर के कहा, भ्रम फैलाया, वो कह रहे हैं गणपति को लेकर के कह रहे हैं कि गणपति में हम आरती उतार दे, आरती के लिए क्या चले गए पूजा कार्यक्रम में, हमको कह दिया तुष्टिकरण की बात करने लगे। तो तमाम मसले वो वही पुराने बोल रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो तो आपको बताना चाहिए था पिछली बार जो माफी मांग के गए थे, तो माफी मांग के जाने के बाद क्या प्रोग्रेस हुआ ये तो बताते कि भाई माफी मांग के गए थे और इसके बाद ये प्रोग्रेस हुआ, हम ये जांच कर पाए, कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी को लेकर के जो मामला चल रहा है, उनके लड्डू को लेकर के, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। तो प्रधानमंत्री वही सारी चीजें बोल रहे हैं जो पूरे देश में घूम घूम करके पिछले 14 साल से बोल रहे हैं, कुछ नया नहीं है उनके पास बोलने के लिए, और ये सबसे बड़ी खराब बात है बीजेपी पर। मतलब जो कम से कम समझता है राजनीति को थोड़ी बहुत, उसको उसको बड़ी आपत्ति है कि आप जो है जम्मू कश्मीर को आपने यूपी किस हैसियत से बना दिया, क्यों बना दिया, वहाँ के नागरिकों का क्या दोष है। और उसके बाद 370 हटाने के बाद जो वहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में देखिए सबसे ज्यादा मुद्दा हावी रहता है यहाँ मराठी बात को लेकर कि यहाँ पे कितने आंदोलन हुए, अभी तो 90 के बाद हालांकि काफी कम हो गया, लेकिन उसके पहले होता था, अभी भी कई लोग उभर के आ जाते हैं कि मराठी लोगों को यहाँ रोजगार मिले और तमाम चीजें हो, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग बहुत भर गए हैं, ये सारी बातें होती रहती है हर प्रदेश को लगता है। झारखंड में भी देखिए चल रहा है कि वो डोमिसाइल की बात की जा रही है, बिहार में जब टीचर की नौकरी दी जा रही थी तब डोमिसाइल की बात की जा रही थी, हालांकि नीतीश कुमार ने माना नहीं।
तो वहां जो हो रहा है कश्मीर को लेकर के यहाँ परेशानी है, और परेशानी इस बात को लेकर के सबसे ज्यादा है कि हिंदू मुसलमान जो है जो कर रहे हैं, आपके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं। जब देखिए हिंदू मुसलमान, जब देखिए हिंदू मुसलमान, और जब महाराष्ट्र की बात करते हैं आप, तो बाला साहब ठाकरे जो है एक मजबूत व्यक्ति थे। बीजेपी जब नरेंद्र मोदी भी जब आए थे तो बाला साहब ठाकरे ने आशीर्वाद दिया था तब यहाँ आए थे, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था इस बात को। ये बड़ा फेमस किस्सा है कि कैसे वाजपेयी जी हटाना चाहते थे, अडवाणी जी आए बाला साहब ठाकरे के पास और उन्होंने कहा कि नहीं रहने दीजिए इसको, कड़वा हिंदू है। कड़वा हिंदू ने क्या किया, उनका घर ही फोड़ दिया, उनका घर तोड़ दिया। तो महाराष्ट्र के लोगों में इस बात को लेकर के गुस्सा है, और लोकसभा चुनाव में जो दिखाई पड़ा आपको, और कांग्रेस को लेकर के देखिए, ये भी जो आरक्षण को लेकर के जो नरेंद्र मोदी लगातार झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया, राहुल गांधी ने वैसा बोल दिया, महाराष्ट्र के लोग उसको खराब मानते हैं। अभी जो अम्बेडकर साहब हैं उनके प्रपोत ने क्या कहा, यही ने कहा कि भाई आप जो एजेंडा चला रहे हैं वो एजेंडा हम नहीं चलाएंगे, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है जो आरक्षण के खिलाफ जाता है। तो इस तरीके के तमाम तरीके के झूठ गणपति को लेकर के बोले या आरक्षण को लेकर के बोले, वो सब दिखाई पड़ रहा है सबको, और वही चीजें हर जगह बोलते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, बाकी कोई एजेंडा आपके पास नहीं। तो यहाँ के लोग भी जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है उससे परेशान है, मेरा है इंटरेस्ट, तो वो उसको आप उनकी मर्जी के बिना आप हटा दोगे, आप कहते हो लोकतंत्र है और आप कह रहे हो कि देश के लिए सोच रहे हो, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोग देश के लोग नहीं है, क्या भारत के नागरिक नहीं है वो? आप ये समझते हो कि जम्मू कश्मीर अभी अलग स्टेट है? तो ये जो है वो पीड़ा है उनकी, और ये पीड़ा लाजमी है। हमारे बिहार स्टेट को या महाराष्ट्र को कोई अगर यूटी बना दे तो मैं भी उस सरकार से चिढ़ूंगा कि भाई आप हमारे अधिकार क्यों छीन रहे हो, ऐसे तो आप कुछ देते नहीं हो, आप टैक्स वसूलते हो, टैक्स वसूलने के बाद देते क्या हो, नफरत देते हो, आपने शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ को दूर कर दिया, महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आदमी जो है कैसे जिए ये सवाल खड़ा हो गया है। बेरोजगारी की बात जो कर रहे हैं आपके जम्मू कश्मीर के साथी, वो सबसे बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर के लिए भी और हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के लिए। आप पूछिए जम्मू कश्मीर में कितने लोग बिहारी गए होंगे, बिहारी मजदूर कितने वहां काम करते हैं, रेहड़ी पटरी वाले कितने लोग वहां पे हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो मैंने सुना है वो ये सुना है कि वहां के लोग बड़े अच्छे, बड़े अच्छे लोगों के साथ आप सांप्रदायिक खेल खेल रहे हो, आप उनके साथ जो है दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहे हो, ये कहीं से कोई भी व्यक्ति जो है उसको अच्छा नहीं कहेगा। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के दिन बदलेंगे फिर से, और जो स्वर्ग कहा जाता था जम्मू कश्मीर को वो वापस स्वर्ग कहाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्वर्ग कहा जाता था, और स्वर्ग प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो कश्मीर आज भी वही है, स्वर्ग है, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन और उनका जो जीवन स्तर है वो उसी स्वर्ग के हिसाब से हो तो बात ही कुछ और रहे। और एक छोटा कमेंट आपसे भी चाहूंगा प्रशांत जी। देखिए राजीव जी, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी बाकी